वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे इसी के सिस्टम को मैं आपको बताता हूँ, और कुछ अपरिचित संख्याओं का भी मैं वर्गमूल निकालना बताऊंगा जिसका गुणनखंड आसानी से नहीं किया जा सकता है, उनका वर्गमूल भाग विधि से ही निकाला जाता है, डिवीजन मेथड से ही निकाला जाता है। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है 4.6225, 4.6225 इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले नंबर्स को अपने नोट करेंगे, डिवीजन मेथड से ही निकालना है इसको। डिवीजन मेथड में आपको पता है कैसे किया जाता है, आपको पेयर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया था पेयर बनाना है, इसके पहले मैंने एक वीडियो सेट किया था उसमें आपको सब बताया गया है सिस्टम, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि डेसिमल नंबर्स की जो पहले पेयर बनेगा पीछे से बनता है, ऐसे बनेगा, इधर से इधर घूमता जाएगा ऐसे। डेसिमल के बाद का जो पेयर बनेगा आगे से बनेगा, 1 2, जो कम पड़ेगा 0 मान लो पूरा कर दिया जाएगा पीछे। डेसिमल के लेफ्ट साइड या बाईं ओर का जो पेयर बनता है पीछे से बनेगा, 1 2, ऐसे करते जाएगा ऐसे। डेसिमल लगा मान लो पेयर ऐसे करते जाएंगे ऐसे ऐसे, डेसिमल के बाद वाला पेयर आगे से करते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करते। पेयर बन गया पीछे से, फिर आगे से बन गया इनका। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सेकंड स्टेप, 1 से 9 तक का स्क्वायर करो कि पहले जोड़े से ज्यादा 9। 1 का स्क्वायर बनाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल बराबर आ रहा और अच्छी बात है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 4 होता है। चलिए मैं 2 का स्क्वायर रखता हूँ, 2 यहाँ रखा जाएगा, 2 यहाँ ऐड किया जाएगा, 2 ऊपर 2 × 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब डेसिमल ऊपर बढ़ा लीजिए, डेसिमल के बाद का पेयर उतारेंगे हम लोग, यहां नोट करेंगे 62 नोट कर लेते हैं यहां पर। अब हम टेबल पढ़ेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे जाएगा चेक करेंगे। अगर एक बार ले जाना तो एक यहां माना जाता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक कम, एक चौके 4, 41 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे। ठीक है, हम 2 बार चेक करेंगे, हो सकता है टूटा ही नहीं जाए टेबल, 2 यहां रखेंगे, 2 यहां, 2 × 4, 2 × 8, 84 आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा है इसमें से माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो टेबल 2 बार नहीं, 1 बार से, 1 वहां रखो, 1 यहां रखो, 1 यहां जोड़ा हो जाएगा, इसको हम रिलीज कर देंगे। 1 एक कम, 1 और 1 × 4, अब माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे 42 आ जाएगा। अगला पेयर नोट करेंगे 25। अब हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक बार चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे चेक करते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बार चेक करना पड़ता है जितनी बार जा सके, ज्यादा से ज्यादा 5 बार हम चेक करेंगे, टेबल 5 बार जा रहा है, 5 से ज्यादा नहीं जा पाएगा, चेक कर सकते हैं। 25 की 5 हासिल, 2 5 2 10 2 12 5 × 20 और 21, वो 5 यहां भी रखा, 5 जोड़ा भी जाएगा, हम घटा लेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसको आप जोड़ो या ना जोड़ो, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं नोट करने के लिए, डिवाइड आगे करना नहीं है, हमारा दोबारा तो 1 से आ चुका 2.215, इसका आंसर हो गया, लिखेंगे स्क्वायर रूट में 4.6225, इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2.15, 2.15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेसिमल नंबरों का तो अक्सर हम डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग से निकालना सबसे आसान होता है। जोड़ा बना लेंगे पहले पीछे से, फिर हम दशमलव के बाद वाला जोड़ा आगे से बनेगा। एक दो तीन और चार, ये जोड़े बन जाएंगे। पहला जोड़ा जीरो है, जीरो के लिए तो जीरो ही है ऊपर, जीरो का जितना पेयर बन जाए उतना जीरो ऊपर नोट कर लिया जाता है। पहला पेयर है जीरो, नोट कर लो बस, यहाँ टेबल पढ़ने को जरूरत नहीं। डेसिमल नोट कर लो, एक पेयर जीरो का यहाँ है, जीरो ऊपर नोट कर लो, ये दोनों खत्म हो गया, कैंसिल हो गया समझो। अब बचा जीरो फाइव पहला पेयर, हम यही मानेंगे नंबर वाला पेयर, इन दोनों के लिए जीरो ऊपर नोट कर लिया गया है। जीरो का जितना पेयर हो उतना जीरो ऊपर नोट हो जाता है। अब बचा पहला पेयर फाइव, अब किसका स्क्वायर करेंगे, पहले जोड़े से ज्यादा ना हो, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, टू टू जा फोर आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन ज्यादा हो जाएगा तो टू का स्क्वायर कर, टू का स्क्वायर टू ऊपर टू टू जा फोर आएगा, फाइव से फोर गया वन आएगा। अगर आप पेयर नोट करेंगे तो और टू कितना हो जाएगा फोर। अब टेबल पढ़ेंगे हम एक बार दो बार तीन बार ऐसे करेंगे, ऐसे का नौ तीन चौक बारह चार चौक सोलह तीन बार जाएगा, का नौ तीन चौक बारह बारह तेरह सौ होगा चार आएगा, और नंबर उतरेगा सिक्सटी वन, इसको दोनों को जोड़ लेंगे वन टाइम जाएगा टेबल, एक बार वहाँ जाएगा तो एक बार यहाँ करना पड़ेगा, एक एक कम एक छक्के छः चौके चार प्लस वन कर लेंगे हम, इसको माइनस कर लेंगे, इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आगे कोई टेबल है नहीं, कोई नंबर उतरने वाला है नहीं, इसलिए हमारा डिवाइड छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू थ्री वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे डेसिमल के दो नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अन्य संख्याओं का मैं आपको बताऊंगा जिसका गुणनखंड आसानी से नहीं, गुणनखंड होता ही नहीं, मतलब आप भाज्य संख्या है, इसको हम भाग से निकालेंगे और हमारा आंसर दशमलव में आएगा। तो आइए तरीके को समझते हैं। टू को हम लोग टू पॉइंट जीरो जीरो कर लेते हैं और भाग्य से वर्गमूल ज्ञात करें। अभी हुआ हर नंबर की दाहिनी ओर दशमलव छिपा रहता है, दो का मतलब वो दशमलव जीरो जीरो, तीन का मतलब तीन दशमलव जीरो जीरो, हमने दो को दो दशमलव जीरो जीरो मान लिया और इसका जोड़ा बन जाएगा आसानी से वन टू थ्री। दशमलव की बार आपको मन करे दो पेयर तक बनाओ, इच्छा हो तीन स्थान तक, इच्छा हो चार, आपके माइंड पर आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आपको कितने अंकों तक आंसर को लाना है। हमें डेसिमल के बाद दो तीन स्थान तक लाना है, इलेवन दो तीन पेयर बना लिए अपने इच्छा से, रूल वही रहेगा वन से लेकर नाइन तक का स्क्वायर करो कि पहले पेयर से ज्यादा ना हो, वन का स्क्वायर वन आएगा टू टू जब फोर हो जाएगा, फोर ज्यादा हो जाएगा, टू का स्क्वायर नहीं है वन का स्क्वायर करना पड़ेगा, वन वन जब वन होता है टू में से वन गया वन आ जाएगा, जीरो नोट कर लिया पेयर उतरेगा डेसिमल ऊपर बढ़ जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, और टेबल पर एक बार दो बार तीन बार चार बार तीन बार हम चेक करते हैं, तीन यहाँ तीन तीन करना उनहत्तर आएगा, थोड़ा छोटा है और पढ़ो, चार बार चार दो सोलह, चार दो आठ एक नौ छियानवे आएगा, ये सही है, चार बार ही आएगा पांच बार नहीं आ सकता, चार चौक सोलह चार दो आठ एक नौ दस मन छः के चार आएगा और यहाँ पर नौ में से नौ का शून्य आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा भी है जीरो है, दोनों को जोड़ लेंगे, रूल वही हमेशा चलता रहेगा, टेबल पढ़िए एक बार दो बार,
एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, दो दूना चार, दो बटे सोलह ज्यादा हो जाए, टेबल एक बार जाएगा, 281 आ जाएगा, दसवां से 9, नवां से 8 गई, तेरह से 2 गई, उनको जोड़ लेंगे 282 आएगा यहाँ पर। टेबल अपने इच्छा से पढ़ सकते हैं और आगे अगला पेयर नोट कर सकते हैं, कम पड़ेगा और पेयर बना सकते हो। अब टेबल हम पढ़ेंगे तो एक बार चेक करेंगे, दो बार चेक करेंगे, तीन बार, चार बार से ज्यादा टेबल नहीं रहेगा यहाँ पर, पांच बार जाएगा ज्यादा हो जाएगा, चार बार लेकर जाओ, चार बार को चार यहाँ, चार चौक 16, चार दुनिया 8 एक 9, चार 32, चार दुनिया 8 फिर 11, दस बाई छः चार, नौ सौ शून्य, आठ बाई छः। अगला जोड़ा नहीं है, अगला जोड़ा नोट कर सकते हो, ऐसे जीरो आ जाएगा। जोड़ा कम पड़े जोड़ा बनाते रहो, नोट करते रहो, उसको जोड़ते रहो, ऐसे आपका आंसर आता रहेगा। अगला भी टेबल पड़ेगा तो दो बार जाएगा, फिलहाल हमारा आंसर इतना ही आएगा, 1.414। और लगाएंगे दो बार जाएगा, आप ले सकते हो 1.414, दो मैं आगे सॉल्व नहीं किया, आप कर सकते हो 1.4142, ऐसे जाता है, कभी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको लेफ्ट कर देते हैं। दशमलव की बार दो या तीन स्थान तक आप ज्ञात कर लेना, आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। इसी टाइप का आपको रूट 3 का है, रूट 7 का है, इसी अनुसार सॉल्यूशन करना है। मैं चलता हूं थोड़ा सा डेसिमल के बाद दो तीन स्थान तक फाइंड करूंगा इसको। तीन को हम करेंगे 3.00, भाग से ज्ञात करेंगे, एक एक का मेल मसीह का दो आएगा, सोलह बढ़ाएंगे, जीरो रूट करेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे चेक करेंगे, बार जाएगा, तीन चौ बारह, तीन चौना दस, जीरो कम पड़े जीरो और लगा सकते हो और ले लीजिएगा, दो बार जाएगा टेबल, चेक करना आपको कहा होगा भाई कितनी बार टेबल जाएगा, चेक कर सकते हो, दो दो चार, दो चौ बारह, दो चौ आठ एक नौ, आगे और सॉल्व करना हो लार्ज स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो, तो सब लोग बात 3 स्थान तक कम से कम ज्ञात कर लेना। इसका आंसर होगा 1.732। इसी प्रकार रूट 7 का है, मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसको जरूर करिएगा, यदि नहीं आता कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं आपको फिर से सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो, अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।